नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम 44 इंच डबल कटोरी की फर्मा कटिंग करें। तो इसके लिए देखिए, हमारा नेप है, सीना 44 इंच, कमर 38, डबल कटोरी 12.5 इंच पर, आगे का नेक है हमारा 6 और पीछे का नेक होगा 10। बाजू की हमारी लंबाई है 6 और उसकी जो मोहरी है या जिसे चौड़ाई बोलते हैं आगे की, वो है 13 इंच। तो ये हमारी डबल कटोरी का नेप है और इस नेप के अकॉर्डिंग हम फर्मा कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी फर्मा कटिंग देखें तो आप उस कटिंग की वीडियो को पूरा देखें, न कि आप थोड़ा देख लेते हैं, बीच में से कट कर देते हैं। तो आपकी जो पूरी जो नाप है, जो इसका मेजरमेंट है, जो इसकी मैं आपको बताती हूँ साइज, स्टेप बाय स्टेप जो इसकी मार्किंग मैं आपको बताती हूँ, वो आपकी पूरी तरह से समझ में नहीं आती है और डाउटिंग रह जाती है। तो आपसे एक सुझाव है कि आप वीडियो पूरा देखें और इस फर्मे की कटिंग करने के लिए आप मेरे साथ में पेपर, कैंची, इंची टेप, पेन लेकर के और मेरे साथ फर्मा कटिंग कर सकते हैं और कटिंग सीख भी सकते हैं। तो ये फुल साइज में, जिसे हम फुल साइज कह सकते हैं, वैसे तो फुल साइज 48 इंची, 50 इंची, 52 इंची तक होता है, लेकिन 44 इंची भी नॉर्मली में साइज फुल साइज की डबल कटोरी होती है। तो इसकी हम फुल साइज की डबल कटोरी की कटिंग कर रहे हैं। तो आइए आप मेरे साथ में 44 इंच सीधे की डबल कटोरी करें इसी नेप के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको नेप दिखाया है। तो देखिए, इस नेप के अकॉर्डिंग हम फर्मा कटिंग करेंगे। जिसकी सीना 44 है तो कटोरी जो उस कटोरी की जो नीचाई है वो 12.5 इंच है। तो इसी 12.5 इंच को हम इस कटोरी की जो फर्मे से निकलेगी उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो उसमें हमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए, कितना हमें ज़्यादा चाहिए, कहाँ कहाँ पर कम ज़्यादा चाहिए, तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंची टेप के द्वारा, फुल नेप के द्वारा आपको बताऊँगी। तो आप उसे समझें और उसकी कटिंग करना सीखें। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, इससे पहले कि हम फर्मा कटिंग शुरू करें। सबसे पहले हम जो हमारा पेपर है उसकी लेंथ जांच लेते हैं। तो इसकी हमारी जो पेपर की लेंथ है 16.5 इंच है और हमें चाहिए, देखिए 15.5 इंची तो इसकी तैयार लंबाई चाहिए। जो 44 इंच से ऊपर सीने की जो ब्लाउज होते हैं उनकी लेंथ होती है 15.5 इंच और जो 38 इंच से नीचे होते हैं, 32, 34, 36 होते हैं, उनकी जो तैयार लेंथ चाहिए वो 14 इंच, 14.5 इंच होती है। तो अब हमारे पास नीचे का मार्जिन नहीं है, जो नीचे की जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं वो नहीं है। तो इसकी मैं सिर्फ हल्की सी मार्किंग कर रही हूँ। जो नीचे की हमारी दबाउट होती है या जिसे तुरपाई बोलते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। तो उसकी स्पेस के लिए हम जो पट्टी अलग जॉइंट करने के लिए ये हल्का सा मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हम नीचे की पट्टी जॉइंट करेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ लगा लेते हैं। तो ये हमारी लेंथ है 16 इंच। हमने 16 इंच लंबा पेपर लिया है और जिसमें नीचे का 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है। 17.5 इंच आप लंबा कपड़ा लें या फर्मा लें और 7 इंच पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। 44 इंच सीने के अकॉर्डिंग जब भी आप शोल्डर का माप करें तो 7 इंच ही एवरेज आएगा। जितने भी ब्लाउज हो, जैसे भी ब्लाउज हो, सिंगल कटोरी के हो, चाहे डबल कटोरी के हो या फिर बेल्ट के हो, शोल्डर को हम 7 इंच शोल्डर लेते हैं और जो बाजू की हमारी नीचाई होती है, बाजू की हमारी नीचाई हम 6.5 इंच तक लेते हैं 44 इंच सीने के अकॉर्डिंग। 40 से ऊपर जहां होता है वहां शोल्डर की नीचाई हम 6.5 इंच लेते हैं और 40 से अंडर होती है तो वहां पर हम 6 इंच ही लेते हैं। मैं आपको साइज वाइज सारे ही फर्मा कटिंग बताऊंगी।
तो ये हमारी 44 इंच साइज का डबल कटोरी फॉर्मा कटिंग है। इसमें हमने 6.5 इंच बाजू की नीचाई ली है। तो आप 6.5 पर मार्किंग कर ले, बाजू की जो नीचाई का मार्क करना है हमें तो वो 6.5 इंच पर आप मार्किंग करें। बाजू की नीचाई 32, 34, 36 हो तो आप उसमें 6 इंच ही रखें, 6 से 6.25 न करें, 7 इंच की शोल्डर और 6.5 इंच की नीचाई। अब देखिए जो बाजू हमारे जहां हम सेप देते हैं बाजू का, उससे पहले हम सीने का मार्किंग कर लेते हैं। 44 इंच क्या 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं तो उसका 11 इंच पर हमें मार्किंग करना है। सीने पर आप 11 इंच की मार्किंग करें, देन बाजू के अंदर 1 इंच का कोण लगाएं। देखिए हेल्थी शरीर है और 44 इंच की साइज है तो फर्स्ट जो हमारा सेप है वो 1 इंच पर, 38 इंच पर 0.25 इंच, 32, 34, 36 पर 0.5 इंच का गैप होता है। तो इस प्रकार से 1 इंच का पहला सेप और जो पीछे की साइड का बैक साइड का हमारे बाजू का सेप होता है उसे 0.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये दोनों हमारी बाजू के सेप लग चुके हैं। पहला सेप 1 इंच के और दूसरा सेप उससे 0.5 इंच और एक्स्ट्रा। बिल्कुल आसान है बाजू का सेप। एक वीडियो आपने अच्छे से देख ली है तो मैं निश्चित आपको बता सकती हूँ कि आप फर्मा कटिंग की काफी जो सरल तरीका है उसे काफी अच्छे से अनुभव आप कर पाएंगे। गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। अगर आप 3 इंच लोगे तो वो गले के अंदर फंसने लगेगा, एकदम चिपक जाएगा। तो इसको और थोड़ा डिस्टेंस देते हैं तो इसकी डिस्टेंस हमारी होगी 3.5 ऊपर से, 3.5 नीचे से और 6 इंच गहरा और हल्का सा गोल राउंडिंग कर लें। ये गला हो गया। गले में भी देखिए बहुत इजी है। 3.5 इंच लेते हैं साइज के अकॉर्डिंग, 44 इंच साइज के अकॉर्डिंग 0.5 इंच एक्स्ट्रा कर दिया है गले में। अब देखिए जो डबल कटोरी तक आते हैं हम, ये 12.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इससे पहले देखिए हमने जो ऊपर के शोल्डर हैं उसको हम पहले कटिंग करेंगे, जो मार्किंग करेंगे 0.5 इंच का जो हम शेप देते हैं शोल्डर में। ये शेप देने के बाद में जो शेप की लाइन है उस लाइन से नीचे नीचे 12.5 इंच हमें लेना है। ये नहीं कि आप ऊपर से ही 12.5 इंच, इसमें 0.5 इंच का गेप हो जाता है। ये हमारी जो कटोरी की मार्किंग करते हैं 12 इंच पर हो जाती है। तो सेब की जो लाइन है उस लाइन से एक्स्ट्रा नीचे तक हम 12.5 देंगे तो हमारी जो कटोरी है वो सही जगह और फिक्स रहेगी। तो इसको आप शोल्डर से सेब की लाइन को छोड़ करके 12.5 इंच पर मार्किंग करें। 12.5 इंच को आप लॉन्ग लाइन में मार्किंग कर लें। इससे पहले कि हम कटोरी की आपको मार्किंग दिखाएं, नीचे कमर का बता देते हैं आपको। कमर है हमारी 38 इंच, 38 इंच के अकॉर्डिंग हम इसकी 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 9.5 इंच, 9.5 प्लस 1/2 इंच ले लीजिए जो पीछे की हमारी प्लेटें डलती हैं उसमें। मैं आपको बता देती हूँ कि किस हिसाब से हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसमें जो 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो हमारी पीछे की प्लेटों के लिए है। बिल्कुल सीधा और सरल सा मेजरमेंट है, 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है पीछे की प्लेटों के लिए। और ये हमारी मेन एक्चुअल फिक्स जो सिलाई की लाइन है वो लाइन है। आप इससे अंदर की सिलाई ना करें, इससे बस इस लाइन के पास पास बिल्कुल हमें जो सिलाई की लाइन रखनी है। तो ये हमारी सिलाई की लाइन हो गई है। अब हम कटोरी का मेजरमेंट बताते हैं आपको। 7 इंच की चौड़ाई जहां हमने 12.5 का मार्किंग किया है वहां पर हम 7 इंच की चौड़ाई लेंगे। देखिए यहां से यहां तक 7 इंच हमारी रहनी चाहिए और जितना हमने नीचे से 7 इंच लिया है बीच के, देखिए एकदम ऊपर से और नीचे से
जो बीच का स्थान है वहां से भी हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितना हमने नीचे से किया है उतना ही हम बीच से भी करेंगे, तो ये 7-7 इंच का हो गया। और जो नेक के अंदर जो हमारा फ्रंट का नेक है उसमें देखिए हम इसे बाकी जो साइज होते हैं उसमें हम 3.5-3 इंच लेते हैं गले के अंदर, और ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा साइज है तो इसको हमने 4.5 इंच लिया है। तो 4.5 इंच नेक के अंदर होगा, 32-34 में हम 3 इंच ही लेते हैं, और 36-38 होती है तो 3.5-4 इंच तक ले लेते हैं, और इसको हमने 4.5 इंच नेक से 4.5 इंच लिया है, बीच से हमने इसको 7 इंच लिया है और नीचे से कटोरी को 7 इंच लिया है। तो ये हमारे नेक का लगभग संभव नेप है 4.5 इंच। आप इसको नेक के अंदर तक मार्किंग कर ले, और तीनों मार्किंग को 7 इंच, 7 इंच और 4.5 इंच, इन तीनों मार्किंग को आपस में मिला ले। बत्तीस 34-36 में हम इतना ही करते हैं क्योंकि कटोरी का साइज भी छोटा होता है और इसमें चेंजिंग आती जाती है। देखिए हर साइज में चेंजिंग आती है कटोरी में, 32 में अलग होती है, 34 की भी अलग साइज होती है, और 36, 38, 40, 42 जो भी हमारी साइज है सब में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती जाती है। तो आप एक बार जब वीडियो देख लेंगी तो आपको सारी साइज का लगभग आइडिया आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये हमारी 44 इंच की कटोरी है, और ये कटोरी एक्स्ट्रा कटोरी है, देखिए ये वेस्टेज है, ये कोई काम आने वाली नहीं है। इस कटोरी से हम नई कटोरी का फर्मा तैयार करेंगे। तो हम कैसे नई कटोरी का फर्मा तैयार करेंगे, बहुत इजीली, बहुत सरलता से, बहुत सिंपलता से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखें। मार्जिन के लिए 2-2 इंची कमर से लेकर सीने तक का मार्किंग कर लें, कमर से लेकर के ऊपर सीने तक का, 2 से एक्स्ट्रा हो सकता है किंतु 2 इंच से कम बिल्कुल भी ना ले। हमारा जो मार्जिन है 2 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे ब्लाउज 32 इंच का हो चाहे ब्लाउज 42 इंच का हो, ये ब्लाउज पे डिपेंड करता है, किंतु मार्जिन जो है वो 2 से 2.25 इंच हो सकता है, 2 से 2.5-2.5 इंच नहीं रखना चाहिए, 2.5 इंच हो सकता है, किंतु 2 इंच से कम बिल्कुल ना हो। तो आप देखिए डबल कटोरी का हम मेजरमेंट बताते हैं आपको। जो हमारी कटोरी थी 9.5 इंच, उसका राउंड जो है पूरा गोल 9.5 इंच, इसको हमने 6.5 इंच पे मार्किंग किया है। देखिए सामने की जो साइड है उसमें 6.5 का मार्किंग किया है, और ये जो फ्रंट की साइड है जहां हम आगे, ये बीच का सेंटर है कटोरी का, ये कटोरी का बीच का सेंटर है, इसको हम 2.5 इंच तक लंबा करते हैं, 2.5 इंच पर एक्चुअल मार्किंग कर लेते हैं। बीच में 7 इंच की कटोरी को 3.5-3.5 दो भागों में डिवाइड कर दीजिए और उसको 2.5 इंच तक लंबा कीजिए, और जो 6.5 का हमने साइड में मार्किंग किया है जहाँ ये देखिए गोल राउंड है, इसमें 6.5 पे हमने मार्किंग किया है, 3 इंच नीचे का एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और जो सामने की गले की साइड है नीचे से, इसको हमने जो हम प्लेट डालते हैं वहाँ 2.5 इंच पे मार्किंग किया हुआ है। तो ये हमारी डबल कटोरी का मार्किंग है। जो बीच में देखिए, जो बीच में स्पेस रहेगा, इसमें जो हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो नया फर्मा तैयार करेंगे उसमें मैं आपको इसकी सारी आगे की प्रोसेसिंग बताऊंगी। ये हमारा था 9.5 इंच का, ये जो गोल राउंड है पूरा 9.5 का है, ऊपर से 6.5 इंच लिया है हमने, ये 6.5 इंच ऊपर ले लिया है और 3 इंच नीचे रखा है। अब देख लीजिए 9.5 इंच का मेजरमेंट हो गया है, तीसरा हिस्सा हो गया है कटोरी का, 2 भाग ऊपर 1 भाग नीचे, बिल्कुल आसान है। किसी भी साइज में इसी प्रकार से आपको मेजरमेंट बिठाना है, 2 भाग ऊपर की साइड में 1 भाग नीचे की साइड में। तो 3 भागों में साइड वाले गोल राउंड को डिवाइड कर दीजिए, और आगे का जो शेप है, ये शेप जो जिस पे हम कटिंग कर रहे हैं, ये हमारा आगे का शेप है, इसको सिर्फ जैसे हम प्लेट डालते हैं 2.5 इंच पर या फिर छोटे साइज में 2 इंच पर, तो 2 ही इंच पर इसका हम मार्किंग करते हैं। तो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ आप, और फिर जो हमारी कटोरी का होगा वो सारा मेजरमेंट आपको मैं फर्मा तैयार करके बताऊँगी। गले की कटिंग करने के बाद जो देखिए शोल्डर पर सैप लगा हुआ है, उसको सैप को साथ में ही कटिंग कर दिया है मैंने, और ये हमारी बाजू कटिंग होने जा रहे हैं।
दोनों आगे और पीछे के पार्ट मेरे साथ में कटिंग हो रहे हैं, तो मैंने पीछे की बाजू के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट साथ में कटिंग कर लिए हैं। पीछे का गला भी आगे के गले के साथ में कटिंग कर लिया है, और जो मार्जिन था उसकी भी हमने साइड के मार्जिन की भी कटिंग कर ली है। अब जो बाजू के आगे का पार्ट्स है, नीचे की जो देखिए आप एक डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, इसमें डेढ़ इंच की कमी है क्योंकि हमारे पास जो पेपर था वो शॉर्ट है, छोटा था, तो हमने इसकी जो नीचे की मोड़ाई है वो अलग से रखी है। ये हमारी कटोरी है और वैसे ये कटोरी वेस्टेज है, इससे हम नया फर्मा तैयार करेंगे। तो इसमें क्या क्या हम प्लस माइनस करेंगे तो कटोरी का फर्मा आप ज़रूर देखें। ये नीचे की बेल्ट है, इसमें तुरपाई की पट्टी जोड़ेंगे और ये हमारी कटोरी की साइड में जुड़ने वाला पार्ट है। इसकी जो आगे की बाजू है इसको आप सेप प्रदान कर दीजिए, हल्का सा सेप दे दीजिए और ये हमारा कटोरी के पास वाला पार्ट तैयार हो गया है। ये हमारी कटोरी है 44 इंच साइज की, और इसको ऊपर वाले पार्ट को वैसे ही रखिए आप, और नीचे वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम अलग सिस्टम से कटिंग करेंगे। ये जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को हम अलग से कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये हमारी कटोरी 7 इंच की कटिंग की थी हमने, तो बीच में हमारी हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं एकदम, देखिए बीच सेंटर में, और ये देखिए 7 इंच का है, इसी पे भी हम मार्किंग कर लेते हैं। और ये देखिए क्योंकि इसको हम जो नीचे वाला पार्ट्स है, अब सबसे पहले कटोरी की जो एक्स्ट्रा लेते हैं, देखिए डेढ़ इंच साइडें होती है जो, वो डेढ़ डेढ़ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे दोनों साइडों में, हल्का सा आप डेढ़ इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग कर लीजिए। और ये सब हम मार्किंग करें और नीचे की जो मार्किंग होती है वो आधा इंच एक्स्ट्रा होती है, तो ये जो आधा इंच है इसको हम डेढ़ इंच में नीचे से आधा इंच क्यों करते हैं, जो हमारी सिलाई आएंगी नीचे कटोरी के डबल पार्ट की उसके लिए, कि ताकि सिलाई करने से कटोरी का साइज कितना छोटा हो जाता है, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे तो ये कटोरी का साइज होकर के छोटी सी डब्बी बन जाएगी, तो इसलिए इसको हम आधा इंची जो स्पेस सिलाई का होता है वो पहले से ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और डेढ़ इंची जो कटोरी को आकार प्रदान करते हैं जो एक्स्ट्रा साइज होता है जिसमें कटोरी बनती है, तो वो हम डेढ़ इंच का पहले से ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं, साइडें जो होती है डेढ़ इंच एक्स्ट्रा है 44 साइज में। देखिए 40 साइज तक हम सवा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 38-40 में सवा इंच एक्स्ट्रा, 36 तक 1 इंच एक्स्ट्रा, और 32 में पौन इंच या 1 इंच। इसमें इसकी साइडिंग कटिंग करके आप इसी से फर्मा बना सकते हैं, और वरना मैं तो इस फर्मे को अलग रखूंगी, अलग से आपको फर्मा बना के बताऊंगी। ये तो 7 इंच का है सिर्फ, तो आप इसको रख के भी फर्मा बना सकते हैं, और इसको जो कटोरी का आकार प्रदान करेगा डेढ़ इंच का जो गैप लेंगे हम साइडों से, डेढ़ इंच जो हम साइडें एक्स्ट्रा लेंगे वो साइडें, ये देखिए हमने हमारे 3 इंच का एक साइड का था और 2.5 इंच का एक साइड का था, जो नेक के नीचे की साइड थी वो 2.5 इंच थी, और जो गोल राउंडिंग में साइड थी वो 3 इंच थी। ये 3 इंच हमारी साइड हमने कटिंग की थी, आपको पता है 6.5 ऊपर की रखी थी और 3 इंच नीचे की साइड रखी थी, वहां से हमने 2.5 इंच लिया था, तो जैसे हमने लिया है वैसे ही हम कटिंग करेंगे। आप देखिए 7 इंच हमारी कटोरी की कटिंग की है, तो 3 इंच में प्लस कर लीजिए डेढ़ इस तरफ का और डेढ़ इस तरफ का, 10 इंच टोटल हो जाते हैं। ये हमारे 10 इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया है, नीचे की जो डबल कटोरी का पार्ट है उसको तैयार कर रहे हैं, तो 10 इंच पे मार्किंग करके ये 7 इंच का है, इसमें डेढ़ इंच इस तरफ एक्स्ट्रा है, डेढ़ इंच इस तरफ एक्स्ट्रा है, 7 और 3 10 इंच हो गई। देखिए 10 इंच हमने ले लिया है, अब देखिए एक साइड में हमें 3 इंच लेना है, तो हम 3 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, ये हमारी 3 इंच हो चुकी है, और आगे की साइड में हमारा 2.5 इंच था, तो ये देखिए 2.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस मार्किंग को उस मार्किंग में मिला देते हैं, 3 को 2.5 में मिला दिया है, और जो बीच का है देखिए मेन सेंटर भी हम करेंगे,
इससे पहले आधा इंच को जो बीच में हम सिलाई लगाएंगे दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कपड़ा तो चाहिएगा, तो जो डिस्टेंस चाहिएगी आधा इंच की, ऊपर वाले पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, नीचे वाले पार्ट में भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। कहाँ रखेंगे? उस स्थान पर रखेंगे जहाँ से दोनों पार्ट ज्वाइंट होंगे। तो जहाँ से दोनों पार्ट ज्वाइंट हो रहे हैं वहाँ पर हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। और ये देखिए 10 इंची, तो 7 + 3, 3 कौन से? ये वाले 1.5 इंच, ये 1.5 इंच। ये आपको मैंने अच्छे से खुली बात बता दी है कि जो हमारी 1.5 इंच का मेन सेंटर का जो सिलाई की मेन सेंटर की सिलाई होगी 2.5 इंच की, देखिए 1.5 इंच एक साइड से 1.5 इंच पे मार्किंग कर लीजिए इस तरफ, 1.5 इंच पे मार्किंग कर लीजिए इस तरफ, और ये 3 इंच हो गए ना, तो 3 इंच निकाल दीजिए 10 इंच में, तो हो गए हमारे बच्चे कितने? 7 इंच। तो ये हमारे 7 इंच की कटोरी फुल। अब आप वो आपको एक बात बता देती हूँ, सिलाई जो हमारी है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। जितना हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उतनी ही हम सिलाई करेंगे। तो इस जो कटोरी की साइड है ऊपर से देखिए आधा इंच लीजिए, ऊपर से आधा इंच, नीचे से 1.5 इंच में मिलाएंगे। इसमें हमने 1.25 इंच लिया है क्योंकि थोड़ा सा कटोरी का साइज फुल है, इसलिए 1.25 इंच ले लिया है। बाकी जो 34, 36, 32 होती है वहाँ हम आधा इंच ही लेते हैं, 36 से जो बाद में होती है उसमें हम 1.25 इंच लेते हैं 38, 40, 42 में। तो ये हमने 1.25 इंच का एक्स्ट्रा ले लिया है, ऊपर से सिर्फ सिलाई का एक्स्ट्रा लिया है, और ये जो आधा इंच मार्जिन लिया है ये सिलाई का है दोनों साइड में, और ये पार्ट इसमें जॉइंट हो जाएगा, ये सिलाई का पार्ट है और ऊपर वाला सिलाई का। अब देखिए सिलाई की जो लाइन है नीचे वाली में 1.5 इंच की, 3.5, 3.5 दोनों साइडों में रह जाएगा, और जो बीच का 1.5 इंच है उसको हम सिलाई में देंगे। सिलाई हमारी जो देखिए जो ये दो जो लाइनें हैं मार्किंग, इसकी सिलाई बिल्कुल लाइनिंग पे होनी चाहिए, सिलाई आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना करें। जो हमारी मेन सेंटर की सिलाई होती है डबल कटोरी में, तो उसकी सिलाई आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं करें। जितना हम 1.5 इंच का मार्किंग किया है उस मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है, नए मार्किंग से इस साइड में और नए मार्किंग से उस साइड में, तो हमारी सिलाई बराबर चलनी चाहिए। ये नीचे का पार्ट्स है जो हमारी कटोरी में जॉइंट होगा, और ये ऊपर का पार्ट है। अब जो देखिए नेक है उसको वैसे ही रखेंगे, नेक में कुछ भी चेंजिंग नहीं आती है, परिवर्तन नहीं आता है। जो ऊपर की सिलाई होती है उसको हल्का सा आधा इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, बाकी हमारा नेक वैसे ही रहता है। तो ये हमारी डबल कटोरी है, 44 इंच साइज की है। इसको हम साइडों से पाइपिंग लगा सकते हैं, बीच में पाइपिंग लगा सकते हैं, और इसकी गले में पाइपिंग लगा सकते हैं किसी भी कलर की। और ये सिलाई की लाइन है, इससे आप सिलाई बिल्कुल एक्स्ट्रा ना करें। तो ये हमारी 44 इंच साइज का डबल कटोरी का फर्मा तैयार है। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट अवश्य करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।